पानी पीने से क्यों मर रहे हैं एक ही गांव के लोग? आखिर क्या है इस पानी में जो ले रहा है लोगों की जान? क्या फ्लोराइड युक्त पानी है इतना खतरनाक? ये पानी नहीं, ये काल है। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़वा के प्रतापपुर के लोग आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीकर अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं। गांव में पानी की वजह से हर साल लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं। गांव की 90% से ज्यादा आबादी आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। इसके बावजूद ना तो आज तक जिला प्रशासन ने और ना ही किसी जन प्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान दिया। बता दें कि जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा ये है सदर प्रखंड का प्रतापपुर गांव, जहां मौत का पानी पीने को ग्रामीण विवश है। प्रकृति ने ग्रामीणों के साथ तो क्रूर मजाक किया ही है। भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। फ्लोराइड की चपेट में आने से लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। हकीकत तो ये भी है कि हर साल अर्थी उठाना तय माना जाता है। इस गांव में बच्चे हो या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, सभी शारीरिक रूप से विकलांग है। लेकिन जिला प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है। इस गांव के मनोहा टोला में तो अर्थी तो प्रत्येक साल उठती है, लेकिन डोली नहीं उठती। सालों से इस गांव में शहनाई की गूंज नहीं सुनाई दी है। लड़की वाले इस गांव में ना ही बेटी ब्याना चाहते हैं और ना ही लड़के वाले के यहाँ की बेटी लेके आना चाहते हैं। दर्जनों युवक युवती आज भी कुआरे हैं। हमने के यह मांग बा कि मैंने हमने के तो बुढ़वन के तब मैंने जैसे कि सीढ़ी पीढ़ी खत्म हो गई, अब खराबे हो गई। हमने के बाल बच्चा के कम से कम सुधारे खातिर सीढ़ी खातिर हमने के कोई अगर सरकार कोई कहीं मुआवजा दे देतन वो बल्कि अच्छा रहे। हमने के शादी बाद ब्याह बा हर कुछ रुक गिलत। बाल बच्चा के मैंने अब शादी होके निखे जा रुकल बा है पानी के लेकर के फ्लोराइड के लेकर के कि अगर वहाँ पानी जैसे हमारा भी बेटी बहन जाएगा तो वहाँ टेढ़ा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा नस में गोड़ में। हम लोग का यही सरकार से मांग है कि हम लोग कम से कम बाल बचा के सीढ़ी पीढ़ी सुधरे और बुढ़वन के सीढ़ी पीढ़ी तो मतलब खत्म हो गया। टोला में क्या मर गया था अभी तक? मरने के लिए तो करीब 12-15 को मर गए पानी से। साल दो साल मैंने साल भर में मैंने 4-5-3-4 मैंने डेली मर रहे हैं पानी से, पानी के लेकर के फ्लोराइड के लेकर के। क्या नाम होगा? कामेश्वर राम। प्रतापपुर के ग्रामीणों को फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराना हमेशा से ही चुनावी मुद्दा बनता रहा है, लेकिन आज तक ना तो जन प्रतिनिधियों ने इस दिशा में ईमानदारी पूर्वक कभी प्रयास किया और ना ही प्रशासनिक स्तर पर ही कोई ध्यान दिया गया। 8 साल पहले गांव के कुछ चापाकलों में फ्लोराइड रोधी यंत्र लगाया गया था, लेकिन विभाग द्वारा उसका भी रखरखाव नहीं किया जा सका। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कोयल नदी पर जल मीनार का कार्य आरंभ किया गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता और संवेदकों की लापरवाही की वजह से 18 महीने में पूरे होने वाला जल मीनार एक दशक बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। विभागीय अधिकारी भी इस बात को जानते हैं कि प्रतापपुर के ग्रामीण मौत का पानी पी रहे हैं, लेकिन अधिकारी के द्वारा भी अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। परेशानी बा रोनी के से बहुत कुछ सुना रही, पानी के बहुत हालत गंभीरता बा और पानी के चलते खोलेज के चेस गए कहीं के हाथ पैर सबको चलने से असमर्थ बा। आखिर कारण क्या लोग कहते हैं कि यहाँ कारण यह है ये हड्डी में डॉक्टर के एक कई गो पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वहाँ बोलता है डॉक्टर जी हड्डी में मोर्चा पकड़ ले, पानी है खोल रहा है। आज टंकी बना है बोले जी 18 महीने में हम देंगे, आज अब 18 साल होने जा रहा है कोई पानी देने नहीं चाहता। नहीं नहीं, मतलब जो शादी विवाह का जो मैटर आता है तो उसमें क्या लोग कहते हैं? वो लोग बोलता है जे हमारा लड़का बच्चा यहाँ जाएंगे तो शादी विवाह में आखिर तो पनिया वहीं के नहीं पियेंगे, या मान ली दुख दैया हो जाएगा तो महीना 2 महीने जाकर रहेंगे तो ये सब बीमारी की वजह से
हम लोग वहाँ नहीं करेंगे। मोनहा टोला में शादी करने के लिए हम उत्सुक नहीं होते हैं। माध्यम से कोई नहीं चाहता है। अभी 1,00,000 रुपया एक लड़की को देने चाहता है, मैं तब उन्हें शादी करने पर इच्छुक होते हैं। क्या कीजिएगा, गरीबी है। बिना गोड़ हाथ खराब हो गया, उठे बैठे की पर पानी पिए से पानी खराब हो गया। कब से पानी खराब है यहाँ? अरे का जानी, पर 10 साल से पानी खराब हो गया। क्या हो गया आपको? दुयो पर नखे उठे देता होगा, कमजोर कदला के डाल पर से उठती रखे दे। तो कहाँ पर सुत रहता है आप दिन भर? हाँ, देर रात सुत ले रही ला। कोई खेन बाल बचाता है तो उठाया नहीं, तैसे रही ला। अगर झारखंड सरकार की बात करें तो सरकार की ओर से इस गांव के लिए कभी कोई पहल नहीं हुई, जिसका खामियाजा यहां के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।